हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप न्यू चैनल वाली वीडियो जो है अपने फ़ोन पे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक न्यू चैनल बनाए हैं और आप प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से न्यू चैनलों की तरह जो है वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो उसका जो टिप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं कि किस तरह से एकदम सिंपल तरीके से आप अगर न्यूज़ चैनल की तरह जो अपने वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जाइए और ग्रीन स्क्रीन न्यूज़ चैनल ओवरले या फिर कुछ भी ऐसा जो ग्रीन स्क्रीन का न्यूज़ चैनल टेम्पलेट वगैरह जो है आप सर्च कीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जो है वीडियो मिल जाएगी ग्रीन स्क्रीन वाली, तो ऐसे ही कुछ ग्रीन स्क्रीन वाली जो आपको अच्छी लगे उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे ही एक ग्रीन स्क्रीन मैंने डाउनलोड किया, और इसके बाद में हम चलते हैं अपने काइन मास्टर पे, और यहाँ पर मैं आपको जो है एडिट करके बताऊंगा कि कैसे एडिट करना है। दोस्तों, काइन मास्टर में एडिटिंग में जाने से पहले आपका जो भी न्यूज़ कंटेंट है जो आप न्यूज़ में बताना चाहते हैं उसको या तो एक ग्रीन स्क्रीन में आप रिकॉर्ड कर लीजिए सबसे पहले, या फिर जो है आप बैकग्राउंड वगैरह सेट करके भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं है, ग्रीन स्क्रीन नहीं रखा है, तो मैं चलिए सिंपल इसी वीडियो को ही एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो है अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जो है मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रेशियो यहाँ पर 16:9 रेशियो जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में दो चीज़ें हैं, अगर आपने ग्रीन स्क्रीन पे अपना वीडियो बनाया है तो आपको जो है एक बैकग्राउंड लेना होगा, और मैंने ग्रीन स्क्रीन में नहीं बनाया है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है अपना वीडियो को जो है इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि ये मेरा वीडियो है, सो गाइस यहाँ पर मेरा जो वीडियो है मैंने इम्पोर्ट कर लिया है, और इसके बाद में हम लेयर में जाएंगे और अपना जो वीडियो हमने जो भी ओवरले या ग्रीन स्क्रीन वीडियो हमने न्यूज़ चैनल वाला डाउनलोड किया है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। आपको अगर वो मैंने जो यूज़ किया वो चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेयर में जाता हूँ और यहाँ से उस वीडियो को जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसका जो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको डिलीट कर देना है। अब इसको हम स्लाइड करके सबसे स्टार्टिंग में ले जाते हैं। अब इसको हम कर देंगे स्क्रीन पे फिट। अब इसके बाद में हमको कर देना है यहाँ पर क्रोमा की, तो क्रोमा की हम कर देते हैं, और यहाँ कलर रेड है तो इसको हमको ग्रीन सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में हम हमारे जो ऊपर वाला वीडियो है लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम इसको इस जगह जहाँ पर भी हमको रखना है इसको इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब इसको जो है हम यहाँ से साउंड को म्यूट कर देते हैं। तो ये हम इस तरह से जो है हमारा वीडियो आ गया है वीडियो। अब यहाँ पर हमको जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो हम यहाँ से लेयर में जाके अपना टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी हमको लिखना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लिया है, और इसको यहाँ से फ्रंट वगैरह जो फॉन्ट जो है वो हम रख सकते हैं, फॉन्ट का कलर रख सकते हैं जो चाहें हम। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। जो भी हमारा हेडलाइन न्यूज़ है उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको हम एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं, तो एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम कट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो इस जगह में जो एक बॉक्स टाइप का है यहाँ भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह जो है लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस जगह में आपको और भी बढ़िया से आप अगर बढ़िया टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जो है पिक्सल लैब में जो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है उसको भी आप बना के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ टेक्स्ट मैंने जो है अपने थंबनेल के लिए बनाया हुआ था, तो उसको मैं पिक्सल लैब से जो है इंपोर्ट करके आपको एग्जाम्पल के लिए जो है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट है मैंने अपनी थंबनेल के लिए मैंने लिखा था, तो इस तरह का टेक्स्ट आप अगर
लिख सकते हैं, मतलब देना चाहते हैं। और उसके बाद में इसको आप अगर इसमें एनिमेशन वगैरह भी जो है कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मूवमेंट थोड़ा सा हो रहा है, जैसे इस पोजीशन से जो है मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको जो है हमारा टेक्स्ट को यहाँ से स्प्लिट कर देंगे हम, तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और आगे वाला पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको एनिमेशन देंगे, इन एनिमेशन फेड दे देते हैं, जो भी आप एनिमेशन देना चाहें वो दे सकते हैं, आउट एनिमेशन आप फेड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा टेक्स्ट आप फिर ले सकते हैं, तो टेक्स्ट लिखें या फिर आप जो है लेयर में जाके फिर से आप दूसरा जो आपका न्यूज़ वाला जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ भी एनिमेशन वगैरह आप जो है दे सकते हैं, तो यहाँ जो है जैसा चाहे आप अपने हिसाब से एनिमेशन वगैरह जो है आप दे सकते हैं। और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में शेयर में जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से जो है आप अपने न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।